महादेश एशिया, यानी एशिया महादेश के बारे में, एशिया महादेश का निर्माण किस तरह हुआ, इसकी चौहद्दी क्या है, किस तरह से फैला हुआ है और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है और विश्व की सबसे अधिक भूमि वाला भी महादेश है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। अब पढ़ते हैं कि यहाँ की बनावट कैसी है। तो हम देखते हैं कि एक विशाल भूखंड होने के कारण, यानी सबसे अधिक भूमि है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक भूमि का एक टुकड़ा है। तो अधिक भूमि का टुकड़ा और विशाल खंड होने के कारण, विशाल मैदान होने के कारण, विशाल भूमि का टुकड़ा होने के कारण यहाँ हर क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, हर तरह की संस्कृति पाई जाती है, संस्कृतियों में विविधता पाई जाती है, या यो कहे कि इसके बनावट में काफी तरह की विविधता पाई जाती है। कहीं कहीं पर्वत ही है, कहीं पठार है, कहीं नदियां है, कहीं समुद्र से ये घिरा हुआ है, तो इस तरह से इसमें काफी विविधताएं पाई जाती हैं। अगर हम अंतरिक्ष में जाकर देखें तो एशिया के मध्यवर्ती हिस्से में पर्वतों को एक विशाल श्रृंखला देखने को हमको मिलता है, यानी पर्वतें ही पर्वतें हमको दिखाई देती है। यह सारी श्रृंखलाएं पामीर के पठार से विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है, पामीर का पठार है उससे विभिन्न दिशाओं में ये फैली हुई है। इसके पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम एशिया के पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं। यहाँ आर्मेनिया की गांठ भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व हिस्से में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला फैली हुई है, जो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला और सबसे नवीन श्रृंखला है। इसमें माउंट एवरेस्ट इसी चोटी में पाई जाती है, हिमालय में, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लगभग ऊंचाई 8,848 मीटर है, यानी यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको कितनी है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो विश्व में सबसे ऊंचा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय तथा हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है, इसे हम संसार का छत कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। एशिया महादेश के दक्षिण में अरब का पठार, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन है, यानी इतना ही प्राचीन है कि कहा जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के साथ ही इन पठारों का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद एशिया के दक्षिण भाग में उपजाऊ नदियों के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं दक्षिण भाग में। एशिया के दक्षिण भाग में देखें तो भारत पाया जाता है और दक्षिण भाग में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, जिसमें हम लोग भी निवास करते हैं, भारत भी उसमें निवास करता है। और भारत के उत्तरी भाग में हम देखते हैं कि काफी बहुत बड़ा क्षेत्र में मैदान फैला हुआ है और यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेप और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से यहाँ पर काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और इसी ये सारी मिट्टी आपको गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है, यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। उसी प्रकार हांगो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से चीन, उत्तरी चीन में उपजाऊ मैदान स्थित है, हांगो नदी है उसके द्वारा चीन में लाई गई जो मिट्टी है उससे वहाँ उत्तरी चीन में वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। तो इस तरह देखते हैं कि एशिया के उत्तरी में, उत्तर में, एशिया के दक्षिण भाग में यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बड़ा विशाल मैदान पाता है जिसमें काफी सारी खेती कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद एक इसमें शब्द है दोआब, दोआब किसे कहते हैं, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा टीवी में, समाचार में, फिल्मों में कि दो नदियों के बीच खाली जमीन पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है और दोनों तरफ नदी होती है और बीच में खाली जमीन पाई जाती है, उसी को हम दोआब कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच में जो जमीन पाई जाती है, जो भूमि पाई जाती है, उसे हम दोआब कहते हैं। उसके बाद
पश्चिम में देखें तो पश्चिम में इराक का मैदान दजला और फरात नदियों के द्वार में पाया जाता है, पश्चिम का ईसा एशिया का। उसके बाद एशिया महादेश के उत्तरी भाग में नीची भूमि या मैदानी भाग पाए जाते हैं, यहाँ भूमि की ढाल इतनी कम है कि आर्कटिक सागर में गिरने वाली नदियां यहाँ दलदल बनाती हैं, यानी यहाँ नीचे इतनी कम है इसकी कि यहाँ पर जो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली छोटी बड़ी नदियां हैं वो वहां पर दलदल बनाती है। यह मुख्यतः ओग, येनेसी तथा लीना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और भी देखें तो यहाँ एशिया महादेश की और धरातलीय विशेषता है, यानी एशिया महादेश की धरातल की और विशेषता है कि पूरब एवं दक्षिण पूरब में महासागरों व सागरों के द्वीप समूह का एक विस्तृत श्रृंखला पाया जाता है, यानी छोटे छोटे द्वीपों का एक विस्तृत श्रृंखला पाया जाता है। दक्षिण पूर्व में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में द्वीप पाए जाते हैं। पूर्व में स्थित जापान का कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, पूर्व में स्थित जापान कई कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों की मुख्य विशेषता है कि इन पर कई सारे ज्वालामुखी आपको सक्रिय है, कई सारे ज्वालामुखी बंद हो चुके हैं, कई सारे ज्वालामुखी ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ज्वालामुखी वहां पर सक्रिय रहते हैं और फुटते रहते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि एशिया की स्थिति क्या है, चारों तरफ उसके मैदानी उसकी धरातलीय स्थिति क्या है, उसकी भूमि की स्थिति क्या है, काफी एक रोचक तथ्य है, इसको जानना और समझना। आप इसको एटलस में देख सकते हैं, आप इसको मैप में देख सकते हैं, काफी आपको रोचक लगेगा। तो इस तरह हमने आज वीडियो में पढ़ा कि एशिया की धरातलीय विस्तार कैसा है, इसके धरातल में चारों तरफ किस तरह का विस्तार है, किस तरह की बनावट की इसकी स्थिति है, किस तरह बनावट है एशिया महादेश की। अगले वीडियो में हम इसको जलवायु स्थिति और या वनस्पति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आप लोग घर से पढ़ के आइए ताकि आपको ज्यादा समझ लेने में आपको आसानी हो, सहूलियत हो। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।